29th क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल शोन इन फिगर, नेग्लेक्ट द स्मॉल इफेक्ट ऑफ द बेंड नियर द बॉटम। तो देखो ये 10 सेंटीमीटर है, यहां से हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं नेग्लेक्ट द बेंड का मतलब जो यहाँ पे एनर्जी लॉस वगैरह होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर दें। तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा पहले तो हम वो देख लें। तो ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आएगी 10√2, ठीक है। तो और 10√2 और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा यहां पे किसके बराबर, जी साइन थीटा के बराबर, ठीक है। 45 डिग्री ये 10 है तो ये वाली साइड आ जाएगी 10√2 और एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में आएगा इसका A1 बोल देता हूं मैं, तो A1 इज इक्वल टू जी साइन 45 डिग्री यानी कि जी बाय रूट टू। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं कि नीचे आने में अगर उसको T1 टाइम लगता है तो 10√2 इज इक्वल टू हाफ ए, ए हो जाएगा जी बाय रूट टू इंटू T1 का स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 40/g आ जाएगा। अब देखो अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दूसरे इंक्लाइंट पे भी जाएगा तो 10 सेंटीमीटर की हाइट तक ही जाएगा। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, मैंने मीटर में ले लिया, तो इसको अगर मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यानी कि ये 40/100g इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर ये ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो अब देखो जितना टाइम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में ऊपर जाने में लगता है उतना ही नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। तो इधर इसका जो एक्सेलरेशन है अगर इसको मैं A2 मान लूं जो डाउन द इंक्लाइंड होगा, तो A2 क्या हो जाएगा, जी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है तो √3/2g हो गया, और यहां से 10 सेंटीमीटर हाइट है तो ये वाली जो इंक्लाइंड की डिस्टेंस है वो 20 हो जाएगी, क्योंकि 20 cos 60 10 होता है ना, ये 20 नहीं होगी, ये हो जाएगी मतलब 10/sin 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री √3/2 तो ये 20/√3 हो जाएगी। तो ये जो हाइट है या डिस्टेंस है ये हो जाएगी 20/√3। तो अब हम इसमें भी इक्वेशन लगा दें कि 20/√3 इज इक्वल टू हाफ A2 इज √3/2g इंटू T2 स्क्वायर। तो जो T2 स्क्वायर है ये आ जाएगा, इसमें भी सेंटीमीटर में है तो मैं इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूं मीटर के लिए, तो ये आ जाएगा 80/100 × 3। तो g को अगर हम चलो अभी जी रहने देता हूँ, डिपेंड करता है क्या आंसर दिया हुआ है उस हिसाब से, तो ये आ रहा है 4/10g। तो अगर मैं जी को 10 मान लेता हूँ तो ये 4/100 आ गया, और यहां पर भी एक जी भी आएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/300, ठीक है। तो यहां से हम T1 और T2 निकाल सकते हैं, तो T1 तो सिंपल आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो 2/10 0.2 सेकेंड आ जाएगा, T2 अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/10 एंड अंडर रूट में 2/3। तो अब जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 2T1 + 2T2, क्योंकि जितना टाइम ये T1 टाइम में नीचे आएगा ब्लॉक, फिर T2 में ऊपर जाएगा, फिर T2 में नीचे आएगा और T1 में वापस जाएगा। तो ये SHM नहीं होगा लेकिन पीरियोडिक मोशन होगा, और इस तरह से उसका टाइम फाइंड कर सकते हैं।